सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। आज की वीडियो कुछ अपडेट देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि एक चिंता वाली बात ही है, बिकॉज आईएलटीएस के एग्ज़ाम में 3-3 महीने लग रहे हैं। आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट डेट पंजाब में स्पेशली बहुत लेट मिल रही है, बाकी स्टेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपॉइंटमेंट डेट में 3 महीने लग रहे हैं, और साथ ही में अगर बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं, पर्सनल भी मुझे बच्चे मिले और मुझे बोला, और कमेंट के थ्रू भी बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आई है कि 3 महीने बाद जब वे अपॉइंटमेंट के लिए गए फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि मैंने इस पर कल वीडियो बनाया था, बट बहुत से स्टूडेंट्स इसे डिटेल में जानना चाहते थे, तो आज मैं इस पर डिटेल वीडियो बना रही हूँ कि देखो, पहले तो सबसे पहले जब भी आप इंस्टीट्यूट को या जब भी आईएलटीएस की प्रिपरेशन करने के लिए, इफ़ यू आर न्यू कमर लाइक 12th पास हो, तो आप 12th क्लास में अपने रिजल्ट आने से पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दें, बिकॉज एग्ज़ाम भले कभी देना हो बट पासपोर्ट सबसे पहले आपके हाथ में आ जाना ज़रूरी है। फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ़ी होती है, हमारा जो है फ़ी भी हमारी वेस्ट होती है, साथ ही में टाइम वेस्ट होता है ना। सो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि जस्ट आपने अपना अपॉइंटमेंट फिल करना है। नेक्स्ट गाइज, आधार कार्ड की क्या बात है? आधार कार्ड की ये बात है कि 5-6 स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन मुझे मिले, उन्होंने आधार कार्ड में क्वारी आई कि जब उनका फ़ोटो अपडेट नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं था, तो आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, वो भी आपका 2-3 दिन, 10-12 दिन ले लेगा। 2-3 दिन तो बहुत थोड़े हैं, 10-12 दिन वो ले लेगा, और उसके बाद में रश और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो प्लीज़ आधार कार्ड को अपडेट करवाइए अपॉइंटमेंट से पहले। जिनकी अपॉइंटमेंट आज कल या 10 दिन के अंदर अंदर है, उनके लिए तो गाइज अब क्या कह सकते हैं ना। तो जिनकी अभी थोड़ी टाइम है आने में अपॉइंटमेंट, तो सबसे पहले आप जाके आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, सो दैट यू कैन नॉट फेस दिस टाइप ऑफ यू नो ऑब्स्टेकल्स रिगार्डिंग योर पासपोर्ट। सो प्लीज़ मेरी इस रिकमेंडेड्स को आप सीरियस लीजिए, गो एंड अपडेट योर आधार कार्ड, सो यू डोंट फेस दिस काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ओके, होप दिस वीडियो विल बी ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ आईएलटीएस से रिगार्डिंग प्रिपरेशन शेयर करती हूँ।